थोड़ी जगह तो दे दो सांस लेने की। सबसे पहले कील बोन निकालनी होती है, ठीक है? ये वाली हड्डी क्लेविकल, ठीक है? छोटी छुरी दीजिए एक। ठीक है, देखो वो यहाँ पे है। अब आपको पहले उसको एक्सपोज करना होगा। आ गई आवाज। एक ये निकल आया सिरा, ठीक है? दूसरा सिरा इधर निकलेगा। बहुत मजे की होगी। ठीक है, देखो ये रहे दो, ये कॉलर बोन, एक सिरा ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब आप बगैर जोर लगाए अंगूठों को यहाँ नीचे तक लेके जाओ। एक सिरा कट गया, दूसरा सिरा, ठीक है? अब इसको आप सही है विशबोन, सो हाँ विशबोन कील बोन ये होती है। आई एम रियली सॉरी, इसको ठीक कर लेना। दिस इज विशबोन, दिस इज कील बोन। तो हम लोग दुमची कहते हैं वैसे, विंग 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 टिप, विंग तो ये रहा, ठीक है? देखो हमेशा जॉइंट को चलाओ और फील करो कहाँ पे हड्डी नहीं है।
उसका हिप बोन पहले आपको तोड़ देना है, यानी हम जब आप पलटेंगे इसको तो उसका हिप बोन एक्सपोज हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। एंड दिस इज ऑयस्टर, पूरी मुर्गी का सबसे डेलिकेट पार्ट ये होता है और सबसे महंगा मीट ये होता है, ऑयस्टर पूरा एक ये गोला होता है, इसको काटना नहीं है बीच में से, इसको काटा तो वर्थ खत्म हो जाएगी। अब आप उसको कैसे एक्सपोज करेंगे, आपने छुरी को पेन की तरह ले ली, पकड़ लीजिए एंड जितना भी एक्स्ट्रा मीट या फैट आ रहा है पहले वो निकालते जाइए बीच में से, ताकि आपको पहले रास्ता मिल जाए। ठीक है, देखो और से देखते रहना, सवाल बाद में पूछना। इधर आ जाओ ना, जिसको नजर नहीं आ रहा, इधर वाले देखो यहां तक जा रहा है ऑयस्टर, ये हड्डी नजर आ रही है अंदर वाली, कहाँ आ रही होगी, मुझे नहीं आ रही तो इनको कहाँ से नजर आएगी, ये आ रही है, अब आ रही है नजर, अब आई नजर, लत्ती भी चला सकता हूं मैं। ये रहा ऑयस्टर, दिस इज ऑयस्टर जी, एक प्लेट में 6 मिलते हैं, पाकिस्तान में शायद ही कहीं मिलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, चिकन पराठे, बच्चा 2 प्याले दे दो, शाबाश जींदा है, ये रहे दोनों ऑयस्टर, ठीक है, एक लेग, दूजी ले,
देखा है तब वहाँ तक गिरा, इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अहमद दुरानी आज भी कुछ करके नहीं आए होंगे ना, तभी चुपचाप खड़े। क्या कैमरा ओवन में कुछ रखा हुआ है शेफ सुहेल का सामान। शेफ सुहेल खुद कहाँ है, खुद भी बैठे हैं अंदर ओवन में। ओवन ही है वो भी।
ये जॉइंट जो है इसको यहीं से काट लीजिए बीच में से, ताकि बाहर जो बाजू लगा हुआ है उसके साथ ये सर्व हो। ये आपका टेंडर ब्रेस्ट चाहिए तो निकाल लीजिए। इसको ब्यूटीफाई करें पहले। अब ये रही वो चुर्री हड्डी जिसको चपनी कहते हैं या कुरकुरी हड्डी कहते हैं। अभी इसके इस तरफ से हमने गाइड ली थी, अब इसके दूसरी तरफ से ले लेंगे। ये पंखा ना होता तो शायद हम दोनों एक दूसरे, हम सब एक दूसरे की सांसें सुन लेते।